देखा आपने ब्लैकबेरी Q2 भारतीय बाजारों में लॉन्च हो चुका है आज 23 जुलाई 2018 को। और ये कुछ दिखता इस तरह से है, मैं बता दूँ आपको, उसके पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ। ब्लैकबेरी जो है भारतीय बाजारों में Key1 जो है पहले लॉन्च कर चुका है, लेकिन उतना सक्सेस नहीं हुआ। उसके बाद में अब Key2 जो है लॉन्च कर रहा है, 31 तारीख से मिलना चालू होगा, एक्सक्लूसिव आपको अमेजोन पे मिलेगा। तो चलिए मैं दिखा दूँ ये किस तरह दिखता है, 3D व्यू दिया, मुझे काफ़ी पसंद आया। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो स्क्रीन दिखा दूँ, 4.5 इंच की स्क्रीन है 2.4 5D कप ग्लास के ऊपर, और नेविगेशन की यहाँ दी है। कॉर्टिक की पैड इन्होंने अपना बरकरार रखा है, बोलते हैं हम इसको छोड़ेंगे नहीं। आगे की तरफ कैमरा दिया गया है आपको, राइट साइड में दिखा दूँ इसके वॉल्यूम रॉकर्स है, पावर बटन है, और बीच में एक की दी गई है, ये स्प्लिट की है, इसके थ्रू कोई भी ऐप आप अचानक से खोल सकते हैं। स्पीडी, जैसे कि आपको कैमरा ओपन करना है तो सिर्फ इसको क्लिक कर दीजिए या ड्रैग कर दीजिए, आ जाएगा, तो वो एक ऐप के लिए कस्टमाइज कर सकते हैं आप उसको। और पहली बार आप देखेंगे ड्यूअल कैमरा इसके ऊपर है, ब्लैकबेरी का लोगो है, और लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे तो ये होल दिया गया है, यानी कि ड्यूअल सिम यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हैं। और भारतीय बाजारों में ये मिलना चालू हो जाएगा बहुत ही जल्द अमेज़ॉन के ऊपर। तो ब्लैकबेरी Key2 की स्पेसिफिकेशन मैं बता दूँ क्या क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या है। यहाँ पे वीडियो पे क्लिक करेंगे तो इसकी बहुत सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। तो ये आइकॉनिक डिज़ाइन है, एल्यूमिनियम 6 ग्रेड के ऊपर से इसको कस्टमाइज़ किया गया, हालांकि इसका जो बैक कवर है वो प्लास्टिक ही है, ये जो है जो रगड़ फिनिश के साथ में दिया गया है वो प्लास्टिक। ये डुअल कैमरा मुझे काफ़ी बढ़िया लगा, और डुअल टोन फ्लैश के साथ में, तो एल्यूमिनियम का इसमें काम किया गया है, तो मेटल बॉडी है, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मोस्ट इंटेलिजेंट कीबोर्ड एवर, कीबोर्ड मुझे काफ़ी पसंद आया, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं स्पेस की बटन, ये स्पेस के साथ में यहाँ पे जो दिया गया ये फिंगरप्रिंट सेंसर का भी काम करता है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से, तो इस तरह से मोस्ट इंटेलिजेंट कीबोर्ड एवर है, बहुत अच्छी तरह से इसको बनाया गया। इंटीग्रेटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मैं वही ढूंढ रहा था काफ़ी देर से, लेकिन देख सकते किस तरह से फिंगरप्रिंट सेंसर है, बहुत ही बढ़िया काम किया गया है इसके ऊपर। और जो चैटिंग के दीवाने हैं उनके लिए तो क्या माशाल्लाह, बहुत बढ़िया फ़ोन है, देख सकते हैं उसको शॉर्टकट की किस तरह से जी दबाया उन्होंने और आ गया वो, इस तरह से आप ड्रैग कर सकते हैं बीच में से बिना कोई स्क्रॉल किए, हल्का सा स्क्रॉल करना ऊपर से, बस उन्होंने डायरेक्शन दिखाया। और ये कीबोर्ड का टी दबाया तो उन्होंने देखो व्हाट्सएप ओपन हो गया, इस तरह से आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। 52 शॉर्टकट्स के ऊपर फ्लिक टाइपिंग के साथ में दिया गया, कीबोर्ड्स पहले से थोड़ा सा बड़े हो गए हैं जिसकी वजह से आपको टाइपिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, जिनको कीबोर्ड पसंद है उनके लिए ये बनाया गया है। तो ये बहुत ही बढ़िया मुझे कीबोर्ड ही पसंद आया है। चार्ज लेस डू मोर, इसमें 2 दिन की बैटरी दी गई है 3500 mAh की, जो कि आपको पूरा दिन आराम से निकाल देगी और सेकेंड डे भी लास्ट करेगी, क्योंकि इसकी स्क्रीन जो है थोड़ी सी छोटी है, लेकिन फुल HD की स्क्रीन है। डुअल कैमरा दिया गया है, वो किस तरह से काम करता है उसको हम देख लेते हैं। तो 12 MP का डुअल कैमरा है, दोनों कैमरा 12-12 MP के हैं, जो एक जूम के लिए काम आता है और फोटो लेने के लिए काम आता है, मुझे तो काफ़ी पसंद है। पोर्ट्रेट मोड आप पहली बार देखेंगे किस की के ऊपर, किस Key2 वाले फ़ोन के अंदर पोर्ट्रेट मोड दिया गया है, जूम करके भी आप फोटो ले सकते हैं, कितनी खूबसूरती से इसको बनाया। देखिए कैमरा कितना दूर है और बिल्डिंग, ये 2x 3x और ये 4x करके जूम कर लिया है। और इसको आप गूगल पे भी ऐसा सर्च करेंगे तो गूगल बता देगा कि वो कौन सी लोकेशन है या उसकी स्पेसिफिकेशन उसकी क्या चीज़ है, देख सकते हैं। तो ये गूगल लेंस के ऊपर भी इसको आप यूज़अप कर सकते हैं, तो इस तरह से कैमरा मुझे काफ़ी पसंद आया है कैमरा भी। तो ब्लैकबेरी भी आ रहा है मार्केट में नए नए स्पेसिफिकेशंस को लेके, और ब्लैकबेरी की जो मेन चीज़ है प्राइवेसी, तो प्राइवेसी को आप कंट्रोल कर सकते हैं, इसके खुद के सिस्टम जो बनाए गए हैं प्राइवेसी के लिए, फोल्डर्स वगैरह हैं और इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर तो आ ही गया है अब उसके ऊपर, और फायरफॉक्स का ब्राउज़र है, फायरफॉक्स फोकस ब्राउज़र इसमें स्पेशलाइज इसके लिए बनाया गया है, ताकि आप इस पर कोई भी सर्फिंग करें तो भी आप सिक्योर रहे। तो इसमें डीटेक जो इनका सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए बनाया गया वो इसके अंदर इनबिल्ट है, तो इस तरह से है। स्पेसिफिकेशन में ले चलता हूँ आपको, थोड़ा डिटेल्स बता दूँ और क्या क्या फ़ोन के अंदर है। फ़ोन के अंदर कंपनी ज़्यादा रिवील नहीं किया बहुत सारी चीज़, लेकिन एंड्रॉयड ओरियो के ऊपर चल रहा है 8.0 के ऊपर, 4.5 इंच की फुल HD की स्क्रीन है, 1080 की बहुत ही बढ़िया स्क्रीन है, गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन दिया गया स्क्रीन के ऊपर, और 2 दिन की बैटरी लाइफ है। कीबोर्ड काफ़ी बढ़िया है गया, और इसमें मैं जहाँ तक देख रहा हूँ इसको 64 और 128 GB की इनबिल्ट दो वेरियंट आएंगे, जो सबसे सस्ता वाला है वो है 42,999 का भारतीय बाजार में मिलेगा, और इसका जो वज़न है 168 ग्राम है। 40 कीबोर्ड फिजिकल है, 35 की बैकलिट है, टच एनेबल्ड है, जो कि काफ़ी बढ़िया काम किया गया है। डेडिकेटेड कीज़ देख सकते हैं बहुत सारी है आपके
कन्वीनियंस के हिसाब से कर सकते हैं। इसका रिजोल्यूशन काफ़ी अच्छा है, 433 PPI, तो आपको बहुत बढ़िया क्लैरिटी मिलेगी। 1620x1080 की LCD स्क्रीन है, क्योंकि 4.5 इंच की ही स्क्रीन है, और इसको ऊपर पूरा एंड्रॉयड कर दिया गया, तो इसके अंदर कोई कस्टम स्क्रीन नहीं मिलेगी जैसे MIUI या EMUI या फिर कलर OS होते हैं, वो सब ऐसी कुछ भी चीज़ें नहीं है। प्योरली एंड्रॉयड 8.1 ओरियो मिलने वाला है। परफॉर्मेंस के मामले में बात करें तो स्नैपड्रैगन 660 का प्रोसेसर दिया गया, जो कि काफ़ी बढ़िया प्रोसेसर है, और इसके ऊपर 2.2 GHz के ऊपर काम करेगा। तो आपको 6GB और 64GB वाला जो कॉम्पेटेबल मोड है वो आ जाएगा भारतीय बाज़ारों में, और दूसरा जो है 6GB 128 वाला भी है, जो कि उसकी कीमत और हम ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब तकरीबन 45-46 हज़ार रुपये के वो भी आएंगे। तो इस तरह से है, टाइप सी पोर्ट के साथ में USB 3.0 USB OTG सपोर्ट है, और इसके अंदर जो है 3.0 क्विक चार्जिंग है, 3500 mAh की बैटरी दी गई है इसके अंदर। तो काफ़ी बढ़िया आपको चार्जर भी, फास्ट चार्जर मिल जाएगा, फास्ट चार्जिंग यानी 50% की जो है 36 मिनट में आप चार्जिंग कर सकते हैं, कंपनी का ऐसा कहना है। फुल HD वीडियो के साथ में 4K वीडियो भी ले सकते हैं, फ्रंट कैमरा 1080 पे वीडियो कैप्चर करेगा। मल्टीमीडिया में आप सारे चीज कर सकते हैं, सारे फॉर्मेट सपोर्ट होंगे। ब्लैकबेरी के खुद के बहुत सारे एप्लीकेशंस है, आप उसको प्रीलोडेड दिया गया है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने हिसाब से, और एंड्रॉयड के भी बहुत सारे ऐप्स इसमें आपको मिल जाएगा। तो और भी बहुत सारे इसमें सेंसर्स वगैरह भी दिए गए हैं, आपको सारे तरह के सेंसर्स मिल जाएंगे, NFC का भी सपोर्ट मिल जाएगा, और भी GPS वगैरह में भी, और वाईफाई डुअल बैंड के ऊपर काम करता है। जिनके घर पे भाई 5 वाला है तो बहुत ही बढ़िया है, 5 GHz वाला तो बहुत ही बढ़िया काम करने वाला, दोनों सिम जो है 4G पे चलेंगे, और 256 GB तक आप उसको एक्सपांड भी कर सकते हैं। तो फ़ोन के अंदर आपको कोई भी कमी नहीं मिलने वाली है, सारी चीज़ बढ़िया है। तो इस तरह से है, और एक्सेसरीज़ भी आप लेना चाहे तो इसमें ब्लैकबेरी की एक्सेसरीज़ भी आपको मिल जाएगी। ये कवर दिया गया है जो सॉफ्ट शेल के नाम से कंपनी रखा है, NFC फ्रेंडली है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो ना गर्म भी होगा आपको चार्जिंग के टाइम पे, तो एक फ्रेंडली है, और एक फ्लिप केस दिया गया है जो कि NFC फ्रेंडली वो भी है, तो आप इसके अंदर रख सकते हैं बहुत सारे कार्ड वगैरह भी। तो इस तरह से है, तो आशा करते हैं दोस्तों मैंने वीडियो के अंदर बहुत सारी चीज़ कवर कर दी है। अगर आपने मन बना लिया है ब्लैकबेरी Key2 लेने के लिए तो आप बाकायदा ले सकते हैं। अगर कोई मुझसे पूछे कि मैं लूँ या नहीं लूँ, तो अगर आप क्वालिटी फ़ोन के दीवाने हैं तो मैं कहूँगा कि बहुत बढ़िया एक फ़ोन लाया है। एक्चुअली टच उन्होंने जो लाया है ना, वो मुझे काफ़ी इसके अंदर पसंद आ गया है फ़ोन के अंदर, तो आप उसके लिए बेफिक्र होकर ले लीजिए। फ़ोन देखने में काफ़ी ज़ोरदार है, और लोग इसको एटलीस्ट आपके हाथ से लेके इसको ज़रूर देखना चाहेंगे। तो इस तरह से फ़ोन आया है, मुझे तो काफ़ी पसंद आया है, कीबोर्ड्स वगैरह एकदम जानलेवा है इसके। तो अगर आप कोई मुझसे पूछेंगे कि मैं लूँ या नहीं लूँ, तो मैं तो कहूँगा फ़ोन ले लो, क्योंकि आज के फ़ोन के सारे चीज़ें इसमें नॉच वाला डिस्प्ले वगैरह जो है वो नहीं मिलेंगे, लेकिन फ़ोन की सारी फीचर्स है। हाँ, थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन ब्लैकबेरी लवर्स या कीबोर्ड लवर्स के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है। और देख सकते हैं की दिया गया है, इसके थ्रू आप शॉर्टकट कर सकते, तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ दी गई है। तो फिलहाल वीडियो को क्लोज करते हैं, वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया, आशा करते दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा। भेजी टेक्निकल देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।